हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैन अंडरस्कर्ट, जिसे आप अपने वेरियस टाइप्स ऑफ लहंगे, गाउन्स या ड्रेसेस को, जिसको आपको और भी ज़्यादा फ्लो देना है, वॉल्यूम देना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा और इसको बनाना उतना ही ईजी और बहुत कम खर्चे में बन जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का ये फैब्रिक लिया है। उसके बाद हमें ये कैन के यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम अपनी स्कर्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। हमें अपनी स्कर्ट की इतनी लेंथ लेना है जितना कि ऊपर से आप 2 इंच फोल्ड करेंगे उतना भी आपको उस स्कर्ट में मिल जाए, और नीचे से भी आपको फोल्ड करना होगा उतना मिल जाए। उसके बाद आपको अपनी कमर की 1/4 भाग से 2 से 3 इंच ज़्यादा मार्क करना होगा। उसके बाद इस तरीके से एयरलाइन शेप देते हुए कोने तक आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसे सिंपली सीजर की मदद से कट कर देंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है और फ्लो कम आएगा, तो जो आप ये साइड से ये कलियां निकालेंगे, उस कली को आप दोनों साइड जॉइन कर लेंगे और आपका जो घेरा है वो बढ़ जाएगा। बट मेरे केस में ये नॉर्मल था, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी कली ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद मैं इसे ओपन करूँगी और कोई भी एक साइड हमें स्टिच कर लेनी होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी एक साइड स्टिच कर लिया है स्कर्ट का, बीच का साइड मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैं अपना वापस से लेंथ नापूंगी। 2 इंच छोड़ते हुए नीचे से मेरे स्कर्ट में 4 इंच लंबा है, तो मैं यहाँ पर ये नीचे बुकरम ऐड करूँगी ताकि जो फ्लो है वो नीचे की तरफ गिरा रहे और काफ़ी अच्छा से लुक आए। तो आपको बुकरम को इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करते हुए इसे अटैच कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। उसके बाद मुझे कैनकेन जो अपना लगाना है वो है 17 इंच पर। तो 17 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ करके मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर मैं अपना कैनकेन उसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। पर आप देख सकते मेरे कैनकेन की जो हाइट है वो 17 इंच से काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मुझे उतना लंबा कैनकेन नहीं लगाना है। तो नीचे का जो पार्ट बच जाएगा, तो सबसे पहले मैं कैनकेन को 17 इंच पे फोल्ड करते हुए मेजर कर लूँगी, और जहाँ पर वो मेजर आएगा वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। और पॉइंट ड्रॉ करने के बाद वहाँ से मैं बाकी का जो कैनकेन होगा उसे कट करके निकाल लूँगी। इस तरीके से आपको बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है आपके कैनकेन का वो कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने कैनकेन का जो बचा हुआ पार्ट था उसे निकाल लिया है। उसे मैं वापस से फोल्ड करके एक प्रेस दे दूंगी, हाथों से ही बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद उसे मैं अपने स्कर्ट के सबसे पहले नीचे के हिस्से में लगाऊंगी। आपको आपके जो स्कर्ट का कपड़ा है उसी के ही नीचे से नहीं, बल्कि जितना आपका लेंथ है उतना ही आपको पकड़ते हुए इस को इस तरीके से प्लीज देते हुए लगा लेनी है, जिससे आपका कैनकेन वेस्ट भी नहीं होगा और आपको और भी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा डबल लेयर लगाने से। इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए लगा ले। वापस से आप 1/2 इंच नीचे सिलाई दे दीजिए जब सारा प्लीट्स हो जाए, ताकि आपकी जो प्लीट्स है वो एक जगह बैठी रहे। तो आप देख सकते हैं मेरा एक जो प्लीट्स का पार्ट है वो मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम अपना जो 17 इंच था हमारा, उसे हम इस तरीके से उस हमें जो नीचे जो लगाए थे उसे ओवरलैप करते हुए लगाना है, ना ही कि उसके ऊपर से। उसे हम ओवरलैप करते हुए इस तरीके से वापस से प्लीज देते हुए लगा लेंगे, जैसे कि मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सिलाई मशीन के हेल्प से। इस तरीके से आपको लगा लेना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक और लाइन जो है लग चुकी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड प्लेस कर लेंगे और साइड की फिटिंग दे देंगे। बट साइड की फिटिंग देने के लिए हम ऊपर से करीबन 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, उसके नीचे से हम सिलाई लगा लेंगे, और जो वहाँ पे जहाँ पे हमने 5 इंच निशान लगाया था उसे इस तरीके से फोल्ड करके हम सिल लेंगे केसी बनाने के लिए, ताकि हम अपनी नाड़ी या इलास्टिक पुट कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केसी बना लिया है। हम इसके अंदर हमारा कैनकेन स्कर्ट रेडी है, हम नाड़ी या इलास्टिक लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कैनकेन स्कर्ट पहनने से पहले मेरा जो गाउन का फ्लो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। उसके बाद जब मैंने कैनकेन वेयर किया तो इसका फ्लो और इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जैसे कि आप देख सकते होंगे, और ये पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा।
और आप देख सकते हैं इसको बनाना कितना ही ज़्यादा इजी और सिंपल मेथड से मैंने इसे बना लिया है। मैंने इसे गाउन पे पहना है फ्रेंड्स, बट अगर आपके पास आपकी कोई लहंगा है जिसका वॉल्यूम आपको इंक्रीज़ करना है तो आप लहंगे के नीचे भी इसे बहुत ही ईजी तरीके से कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगा और आपको और ज़्यादा स्लिम और ब्यूटिफुल बनाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये सिंपल सा DIY वीडियो पसंद आए, और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।